हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि को क्लासेज। इस वीडियो में हम जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं सेविंग फंक्शन से। इसके प्रीवियस वीडियो में जो है कि हमने जो स्टार्ट किया था कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में, तो अब आगे आने वाले वीडियो में हम जो है कि आज वाले वीडियो में हम लोग सेविंग के बारे में करेंगे कि सेविंग कैसे होती है, क्योंकि हमने पिछले में कंजप्शन, एपीसी, एमपीसी और उसका कर्व कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने किया था। तो आज हम जो है कि सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे जो चार हाइपोथेसिस होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट और फ्रीडमैन की जो है, और रिलेट एक और है। तो इन सब के लिए जो है कि सेविंग को और जो है कि कंजप्शन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम इसलिए अब सेविंग फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेविंग फंक्शन से। तो सबसे पहले हम सेविंग के बारे में बताते हैं कि जो हम इनकम होता है वो इनकम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वाई इक्वल्स टू सी प्लस यस। ठीक, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ सेविंग क्या होता है। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, यानी कि जो हमारी सी जो होती है कि इनकम जो होती है, इनकम को हम कंजप्शन करते हैं, सेविंग करते हैं। तो जो जितना हम कंजप्शन कर लेते हैं, और जो कि क्योंकि हम इनकम के प्रपोर्शन में कंजप्शन नहीं करते हैं कि कुछ पार्ट सेव करते हैं, तो जो हम कंज्यूम नहीं करते हैं और जो बचता है उसे हम सेव करते हैं। ठीक, यानी कि वाई माइनस सी इक्वल्स टू यस। जब हमने एपीसी और निकाला था तो यहाँ पे सी प्लस यस इक्वल टू, हमने यस वन बताया था, मैं आगे बताऊँगी आपको। तो यहाँ वाई माइनस सी इक्वल टू यस ये हम करेंगे। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में यहाँ पे थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो हम एक ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे हम अच्छे से कर लेंगे इसके बारे में। हाँ, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है ये सेविंग को डिवाइडेड बाई द डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जो कंजप्शन फंक्शन में हमारा जो पर्सनल इनकम में से टैक्स डिडक्ट कर देते हैं, तो वो होता है हमारा डिस्पोजेबल इनकम। तो ए पी एस इक्वल्स टू हो जाता है यस बाई वाई। तो यस हमारा जीरो भी हो सकता है, यानी सेविंग हमारी जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि हमारा कंजप्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, अब हम रिलेशनशिप बिटवीन द ए पी एस और जो है ए पी सी देखते हैं। ठीक, तो हमारा होता है y इक्वल्स टू सी प्लस यस होता है। अगर हम इसको डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई y कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए पी सी प्लस ये हो जाएगा ए पी एस, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया ए पी सी, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू जो वैल्यू होती है वो वन होती है। ठीक, और जो अगर हमारा इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ये हमारा बताता है। और जबकि हमारा जो सेविंग होती है वो जीरो हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, लेकिन एपीसी कभी हमारी जीरो नहीं होती है, एपीसी वन हो सकती है, इसीलिए हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और जब एपीएस हमारी जीरो होती है तो उसको जो है हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। तो एपीएस विल बी निगेटिव एट अ लोअर लेवल ऑफ इनकम व्हेन इंटायर इनकम इज नॉट सफिशियंट टू कवर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इस सच सिचुएशन एपीसी विल हैव अ ग्रेटर वैल्यू देन वन और ए पी एस विल भी निगेटिव, क्योंकि जब हमारी इनकम बहुत ही लो लेवल पे होती है तो कंजप्शन तो चाहिए ही, तो कंजप्शन तो ए पी सी तो ज़्यादा होगी ही, तब ए पी सी जो है कि एक से ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारी ए पी एस जो निगेटिव है, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए पी सी इक्वल्स टू ग्रेटर देन वन हो जाएगा। ठीक, तो और जो है कि अगर हमारा जो है कि इनकम इंक्रीज होता है तो हमारा कंजप्शन जो है डिक्रीज होता है, जैसे हमने अभी वो वहाँ पे हमने थ्योरी बताई थी ना कि कंडीशन होता है कि एमपीसी की वैल्यू जीरो टू वन होती है, और जो है कि इनकम इंक्रीज होने पे कंजप्शन जो है उस प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता, उससे कम इंक्रीज होता है। तो जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन हमारा कम होता है और सेविंग हमारी इंक्रीज होती है। तो हम इसके डायग्राम को देखते हैं, ये हमारा हो गया इनकम डिस्पोजेबल इनकम, ये हमारा हो गया कंजप्शन, और ये हमारा हो गया प्रोपोर्शनल वाला जब हमारी एम पी सी वन है। ठीक, तो और यहाँ पे जो कि हम इसको एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी में भी लेते हैं कि हमारा कितनी सप्लाई इनकम हो रही है एग्रीगेट, तो हम उसको भी ओरिजिन से ही लेते हैं
कि हमारी इकोनॉमी में कितनी इनकम की सप्लाई हो रही है, ठीक। तो उसको हम ओरिजिन से दिखाते हैं यहाँ पे एग्रीगेट, तो यहाँ पे जो हमारी इनकम को दिखा दिया गया एग्रीगेट, तो अब हम यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन अपना ड्रा करते हैं, क्योंकि एमपीसी इक्वल्स इस वाले को और इस वाले को हम कंजप्शन कर्व नहीं मान सकते, क्योंकि एमपीसी की वैल्यू जो कंडीशन, वो तो कंडीशन मैंने बताई थी कि 1 और 0 के ऐसे ग्राफ हो सकते हैं, पर एक्चुअल में होते नहीं हैं, ठीक। तो इसलिए हम उसको नहीं लेते, और ये हमारा हो गया कंजप्शन फंक्शन, यहाँ पर हो जाएगा ऑटोनोमस, ठीक। तो उसके बाद जो है कि हम इस पॉइंट पे देखते हैं कि हमारा कहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है, कहाँ पे इनकम, क्योंकि ये हमारा इनकम लेवल को दिखा रहा है कि इकोनॉमी में कितना इनकम लेवल है, और ये हमारा कंजप्शन फंक्शन को दिखा रहा है, ठीक। तो इस वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हुआ, यानी कि यहाँ पे इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन हो गया, यहाँ पे इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन हो गया, और यहाँ पे जो है कि हमारा कंजप्शन ज़्यादा है, इनकम कम है, यानी कि यहाँ पे हमारी डिस सेविंग हो रही है, ठीक। और यहाँ पे हमारी जो इनकम ज़्यादा है, कंजप्शन कम है, यानी यहाँ पे हमारी सेविंग हो रही है। ये मैंने आपको सेविंग के लिए समझाया कि ये हमारी इनकम लेवल है, ये कंजप्शन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इक्वल हो गया। तो यहाँ कंजप्शन इक्वल्स टू इनकम है, और यहाँ पे कंजप्शन हमारा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो यानी हमारी जो कि कंजप्शन को फुलफिल करेंगे पास्ट डिस सेविंग से, पास्ट सेविंग से, और यहाँ पे इनकम ज़्यादा है तो यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं, ठीक। तो ये वाला पोर्शन हो गया कि हम कहाँ पे कैसे करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे दूसरा तरह, क्योंकि यहाँ पे अब हम डिस सेविंग वाला फंक्शन बनाएंगे, तो इस वाले पोर्शन से बनाएंगे। यहाँ पे जो है सेविंग हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम सेविंग कर रहे हैं, यहाँ पे सेविंग हमारी 0 होगी और यहाँ पे सेविंग हमारी निगेटिव होगी। मैं दोनों का कंबाइंड एक डायग्राम बनाती हूँ आपको, ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरह है ये डायग्राम, आप देखिए यहाँ पे कंजप्शन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है, इनकम कम है, तो यहाँ सेविंग निगेटिव है, और यहाँ पे सेविंग पॉजिटिव है, यहाँ पे इक्वल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अपना कंजप्शन फंक्शन लेके चलते हैं, तो सेविंग फंक्शन ये हो गया हमारा, यहाँ पे सेविंग इक्वल्स टू 0, सेविंग यहाँ पे पॉजिटिव है, ये माइनस यस है, यहाँ पे हमारा जो है इनकम इज लेस देन कंजप्शन, ठीक। यहाँ पे इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन है, यहाँ पे इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन है। ये डायग्राम देखिए, यहाँ से आप मैच करेंगे, ये निगेटिव है, तो यहाँ से हमने ओरिजिन लिया, ये यहाँ से हमने ओरिजिन लिया, ये हमारा ओरिजिन, देखिए यहाँ पे हमने इस वाले को इतना सेविंग के लिए किया, तो ये यहाँ निगेटिव आया, यहाँ इक्वल आया, ये यहाँ पॉजिटिव आया, और यही पे हमने यहाँ दिखा रहा है कि ये यहाँ पे है, तो से यस इक्वल्स टू 0 को हम जो है यहाँ पे इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे, ठीक। और ये हमारा हो गया जो कि सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम, ठीक। तो यहाँ पे 0 हो गया, और जो है कि हमारा ये ऑटोनोमस कंजप्शन जो है सी बार जो होता है वो हमारी माइनस सी एस से फुलफिल हो रही है, इस पोर्शन से हमारी जो है हमारी से कंजप्शन जो है फुलफिल हो रही है। तो हम जो है कि सेविंग फंक्शन को देखते हैं, क्योंकि हमारा कंजप्शन फंक्शन जो होता है ये सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई डी होता है, ठीक, बी वाई डी होता है। तो सेविंग इक्वल्स टू ये सी बार जो कि सी कंजप्शन 0 लेवल ऑफ इनकम से फुलफिल हो रही है, तो यानी वो सेविंग से, तो यहाँ पे माइनस यस बार हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमारे जो कंजप्शन एट 0 लेवल ऑफ इनकम है वो सेविंग से हो रही है, तो वहाँ पे सेविंग निगेटिव हो जा रही है, क्योंकि हम सेविंग को यूज कर रहे हैं, और वहाँ पे इनकम जो है 0 है, तो वहाँ पे सेविंग हमारी निगेटिव हो जाएगी। और जो ये उसकी जो एमपीसी यानी जो स्लोप है, यहाँ पे हमें एमपीएस निकालनी है, तो जिस तरह एपीसी प्लस एपीएस होता है उसी तरह एमपीसी प्लस एमपीएस होता है, तो एमपीएस इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी। तो हम आपको रब करके मैं दिखाती हूँ कि किस तरह उसका बनाएंगे हम, तो क्योंकि डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है इसका, अब मैं आपको इसके क्योंकि इसी फंक्शन पे जो है उसके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। तो मैं आपको इसका जो है इक्वेशन बताती हूँ कि ये देखिए सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई डी हो गया। तो ये हमारा जो है कि मैंने कंजप्शन के बारे में बताया किस तरह सेविंग होती है, तो
तो ये माइनस सी एस बार हो जाएगा। ये एम पी सी है तो एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू वन होता है। तो एम पी एस की क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस बी और वाई डी। ये हो गया हमारा सेविंग फंक्शन। ठीक, तो सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम नहीं, यहाँ पे सेविंग निगेटिव है ये बता रहा है, यहाँ पे वन यानी कि यहाँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक, और ये हमारा हो गया डिस्पोजेबल इनकम, ये हमारा बता रहा है। तो इसके बाद हम चलेंगे कि हमारा जो माइनस यस बार है ये बता रहा है कि कंजप्शन जब हमारा इनकम लेवल जीरो है तो कंजप्शन सपोर्टेड बाय द डिस सेविंग, ये हमारा माइनस यस बार बता रहा है। और जो है एम पी सी जो है कि हमारी जो है जीरो हो सकती है, क्योंकि हमारी जो एम पी सी हमारी जीरो नहीं हो सकती। तो एम पी सी हमारी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि एम पी एस हमारी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि हमारी एम पी सी की वैल्यू कभी वन या जीरो नहीं होती है, यानी कि हम उसका पूरा इंक्रीमेंटल पार्ट जो होता है डेल सी बाई डेल वाई का पूरा इंक्रीमेंटल पार्ट हम कंज्यूम नहीं करते हैं। तो कुछ न कुछ तो सेविंग होगी, जब कुछ न कुछ तो सेविंग होगी तो हमारी एम पी एस जो है कि वो हमारी पॉजिटिव ही होगी, एम पी एस हमारी निगेटिव नहीं होती है। ए पी एस हमारी जीरो होती है और ए पी एस हमारी निगेटिव होती है। तो हम ए पी एस हमारी जो है कि जीरो हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, लेकिन एम पी एस हमारी जो है निगेटिव नहीं होती है। तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा यस इक्वल्स टू यस बार इक्वल्स टू ये हमारी निगेटिव है ये प्लस वन माइनस बी वाई, इसको हम डी भी लिख सकते हैं, इसके इक्वल्स टू हमने मान लिया। तो मैं आपको एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, और एम पी एस की जो होती है वो डेल यस बाई डेल वाई होती है। जिस तरह हम एम पी सी निकालते हैं उसी तरह हम एम पी एस निकालेंगे, बस एम पी सी अगर हमें पता है तो एम पी एस प्लस एम पी सी इक्वल्स टू वन होती है, उसका फार्मूला हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये फार्मूला है एम पी एस इक्वल्स टू एम पी एस प्लस एम पी सी इक्वल्स टू वन। तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ जहाँ पे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है थ्योरी में, ये कि अगर हमारी जो है कि हायर वैसे हम उसको मल्टीप्लायर में हम करेंगे, हम मल्टीप्लायर में उसको हम करेंगे तो हम आपको ये बता देते हैं कि जब हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है अगर वो लोअर होती है हमारी जो हायर जो एम पी एस जो होती है वो अगर हमारी हाई होती है तो हमारी मल्टीप्लायर जो होती है के होती है उसकी वैल्यू हमारी कम होती है। ठीक, क्योंकि हमारी जो के इक्वल्स टू होता है वन अपान वन माइनस एम पी सी, ये हम आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। और के इक्वल्स टू होता है वन अपान एम पी एस, तो इनवर्स होता है, तो एम पी एस जब ज़्यादा होगा तो के कम होगा और एम पी एस कम होगा तो के ज़्यादा होगा। और मल्टीप्लायर के ज़्यादा होने का मतलब है कि इकोनॉमी में ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है और वो कंजप्शन फ्लो में हो रहा है तो उसमें मल्टीप्लायर कम करके तो वो प्रॉफिट वहाँ पे हो रहा है, वो इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो ये बता रहा है हमारा। और हम इसके वाले चलते हैं कि ये थ्योरी पार्ट हमने कर लिया है यहाँ पे कि किस तरह हमारा जो डायग्राम होता है कैसे शो करता है, कैसे निगेटिव होता है हमारा कंजप्शन ऑटोनोमस, कैसे कंजप्शन हमारा निगेटिव होता है और ऑटोनोमस कंजप्शन होता है तो हमारी सेविंग कैसे निगेटिव होती है और किस तरह सेविंग निगेटिव से इक्वल होती है पॉजिटिव जाती है। और फिर एम पी एस देखिए इंटरसेप्ट टर्म यानी कि हमारी जो सेविंग है वो निगेटिव, विच सेविंग इज निगेटिव व्हेन इनकम इज जीरो, एम पी एस इज पॉजिटिव एंड रिमेन बिटवीन जीरो टू वन, क्योंकि एम पी सी कभी जीरो नहीं होती कभी वन नहीं होती तो एम पी एस भी ऑलवेज लाइक जीरो टू वन होती है। ठीक, और हमने जो है आपको इक्वेशंस भी आपको बता दिए कि ये यस बार इक्वल्स टू यस वाई टी और यस बार लेस देन जीरो, मैंने आपको निगेटिव यहाँ पे फंक्शन ऐसे करके दिखाया, यहाँ पे इसमें बता रहा है कि यस इज लेस देन जीरो और ये एम पी सी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू की वैल्यू जीरो टू वन लाई करती है और एम पी सी और एम पी एस इक्वल्स टू यूनिटी, ये मैंने आपको बता दिया।
अब हम आपको ये बताएंगे कि जो कंजप्शन होता है वो किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। अगर हमारा जैसे कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है या हमारे जो कि प्राइसेज जो है इंक्रीज हो रहे हैं, तो इससे प्राइसेज इंक्रीज होने से डिमांड कम होता है। जब डिमांड कम होगा तो हमारी जो कंजप्शन भी डिक्रीज हो जाएगी, कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगी तो इससे जो है कि हमारा ये कंजप्शन फंक्शन भी कम हो जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। और जब हमारी फिजिकल पॉलिसी जो है, सेकेंड जो है कि हमारी फिजिकल पॉलिसी जो है कि अगर हमारी फिजिकल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी है, यानी हमारी टैक्स इंक्रीज हो रहे हैं और एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, ठीक, टैक्स ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर हमारा कम हो रहा है, तो क्या होगा, ये होगा कि कंजप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों की इनकम जो है टैक्स में चली जाएगी और गवर्नमेंट दे नहीं रही है, तो यहाँ पे कंजप्शन कम हो जाएगा, ठीक। एक और है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट से इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम ही होगा तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो कंजप्शन कम होगा, ठीक। और हमारी जो एक्सपेक्टेशन वगैरह होती है तो उससे भी ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर तो इसमें हमने आप कंजप्शन वगैरह की पढ़ लिया, अब हम आगे जो वाले वीडियो में अगर हम जो है थ्योरी उसकी पढ़ेंगे कैसे होता है। तो अगर आपको जो है कि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच।